हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, इसीलिए आप पूरा ज़रूर देखना। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि शाम की दिनचर्या जो है ना, घर की लक्ष्मी की कैसी होनी चाहिए। अगर घर की लक्ष्मी यानी घर की महिला अगर इस तरह से अपनी शाम की दिनचर्या को करती है, या फिर अपने घर के कामों को अगर शाम को आप इस तरह से करते हैं, तो आपके घर में कभी किसी चीज़ की जो है ना कमी होने वाली नहीं है। तो चलिए, छोटी छोटी बातें इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी जो शाम का रूटीन कह लीजिए या दिनचर्या कह लीजिए कब शुरू होता है, तो 3:30 या 4 बजे के बीच में हो जाता है। कभी आगे पीछे देखिए, थोड़ा बहुत तो देखिए चलता है। तो अभी जो है ना, मैं बना रही हूँ चाय, बना रही हूँ क्योंकि चाय पीने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। और उसके साथ जो है ना, मखाने तल रही हूँ मैं। तो मखाने का भोग जो है ना, मैं अपने ठाकुर जी को लगा दूंगी। उसमें मैंने थोड़ा सा अपने घर का बना हुआ जो मसाले वाला नमक होता है ना, वो डाला है। आपको मैंने शुरू में दिखा दिया था। तो बस ठाकुर जी का भी यहाँ पर भोग लग रहा है, और अपने लिए जो है ना, मैंने गर्मा गर्म बना लिए चाय। चाय पीने के बाद और पेट पूजा करने के बाद जो है ना, मैं करती हूँ कुछ खाना वगैरह बनाने की तैयारी। क्योंकि इस टाइम जो है ना, मैं डेली खाना तो नहीं बनाती शाम को, लेकिन जब ऐसा लगता है कि कुछ बनाना है तो इस समय जो है ना तैयारी कर लेती हूँ। और इसके बाद जो है ना, मैं करती हूँ अपने पूरे घर में साफ़ सफ़ाई करती हूँ। साफ़ सफ़ाई का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इस समय साफ़ सफ़ाई होती है। शाम को जो है ना, पूरे घर में मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। अगर मेरी किचन गंदी होती है तो मैं उसको भी पूरी साफ़ करती हूँ। जब दोनों समय जब मिलते हैं ना, दोनों समय मिलने का समय होता है जब सूर्य अस्त होता है और दिन जो है ना ढलने लगता है, उस समय जो है ना दोनों मिलना, वक्त का दोनों मिलना कहा जाता है। दोनों वक्त जो है ना उस समय मिलते हैं, तो उस समय जो है ना आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। कहते हैं कि इस समय जो है ना भगवान विष्णु और लक्ष्मी जो है ना भ्रमण के लिए निकलती हैं। तो इस समय जो है ना, आप अपना घर जो है ना साफ़ सुथरा ज़रूर रखें। दोनों वक्त मिलते समय जो है ना साफ़ सफ़ाई नहीं की जाती, उससे पहले आपको करना होता है। तो आजकल गर्मियों का सीज़न है, दिन थोड़ा सा लेट ढलता है। लेट का मतलब होता है कि 6:30 बजे जो है ना दिन ढलना स्टार्ट होता है। तो मैं जो है ना उससे पहले अपने घर की पूरी सफाई कर लेती हूँ। अभी 4:15 या 4:30 बजे का टाइम होगा और मैंने जो है ना शुरुआत कर दी है। सबसे पहले किचन में आ गई थी और अपने जो है ना किचन का जो गैस वगैरह थोड़ी सी गंदी हो गई थी जब मैंने मखाने वगैरह भुने ना, तो उसकी साफ़ सफाई करूँगी। और गैस साफ़ होने के बाद जो है ना, मुझे जो बनाना होता है मैं वो बनने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद जो है ना, मैं पूरे घर में लगाती हूँ झाड़ू। आजकल जो है ना, मैं ये वाला झाड़ू यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, काफ़ी पुराने ज़माने से चला आ रहा है खूब। मतलब अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं ना, तो इस तरह का झाड़ू यूज़ करें, मतलब पैसा वसूल है, बहुत सस्ता आ जाता है। और शायद मैंने रेट इसका बताया हो, 25 रुपये का आता है, लेकिन काफ़ी अच्छा चलता है। और इससे जो है ना आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसके लिए आपको ना अच्छा खासा जो है ना झुकना पड़ता है। तो बस शाम के समय जो है ना, मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, ये मेरा डेली का नियम है। उसके बाद जो है ना, मैं अपने बेडरूम में आ जाती हूँ, जो मेरा कमरा है सोने का। तो बेडशीट वगैरह जो यहाँ पर जो है ना पूरी दोपहर बिताते हैं, तो यहीं पर लेट कर हिरम टीवी देखता रहता है, पढ़ाई करता रहता है। तो पूरा जो है ना बेडशीट वगैरह थोड़ी सुकड़ जाती है, कुछ ना कुछ फैल जाता है खाते पीते समय, तो उसको पूरा झड़ाती हूँ। पोछा वगैरह इस टाइम नहीं लगाती मैं, सिर्फ केवल झाड़ू लगाती हूँ। और सफाई भी मैं उस समय करती हूँ जिस समय दोनों वक्त नहीं मिल रहे हों। अगर मैं कभी लेट हो जाती हूँ तो मैं झाड़ू नहीं लगाती। कभी भी आप भूल कर दोनों वक्त जिस समय मिलते हैं उस समय आप घर की सफाई ना करें, उससे पहले करना होता है, उस समय आप ना करें। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साफ़ सफ़ाई करने के बाद नंबर आता है बर्तन साफ़ करने का। तो वैसे तो दोपहर के बर्तन जो है ना, मैं दोपहर में ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी छोटे मोटे जो है ना, छोटे मोटे बर्तन तो जो है ना गृहस्थी में जो है ना निकलते ही रहते हैं। कभी ये निकल रहा है, कभी वो निकल रहा है, तो बहुत सारा जो है ना ढेर शाम को भी इकट्ठा हो जाता है। तो ये काम भी जो है ना, मैं जल्दी से जल्दी कर लेती हूँ दोनों वक्त मिलने से पहले। कभी भी जो है ना, दोनों वक्त जब मिलते हैं ना, तो कभी भी घर गंदा नहीं होना चाहिए, झूठे बर्तन वहाँ पर नहीं रखे रहने चाहिए। तो साफ़ सफ़ाई का जो है ना विशेष ध्यान रखा जाता है इस समय। इसीलिए जो है ना, मैं अपने
अपने घर को जो है ना उससे पहले अच्छा सा साफ सुथरा कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए घर में फैलान तो फैलता ही फैलता है, अब जब कितना भी ध्यान रखें फिर भी जो है ना गंदगी होती रहती है। तो इस समय जो है ना मैं अपने घर को जो है ना हमेशा जगमगाती रहती हूँ। और दोनों वक्त मिलते समय आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी। तो बस इसके बाद मैंने अपनी बाथरूम वगैरह भी साफ़ कर लिए, साफ़ कर क्या करना है सिर्फ एक झाड़ू वगैरह फेरना होता है तो फेर दिया। और उसके बाद जो है ना कि देखिए कितना बढ़िया मौसम हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम हो गया था। ऐसे ही ना मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ, मैं फटाफट छत पर आई हूँ। छत पर क्यों आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैं डेली पकवान बनाती हूँ तो उसकी मिट्टी रखी हुई थी ऊपर, तो अगर पानी बरसता ना तो ये पूरी मिट्टी जो है ना नीचे घुल घुल कर जो है ना नीचे बह जाती, तो उसको जो है ना मुझे समेटना था। क्योंकि जिस कट्टे में ये रखी हुई थी ना, ये जिस बोरी में ये रखी हुई थी वो बोरी जो है ना पूरी तरह से फट चुकी है, धूप में जो है ना बोरी वगैरह ख़राब हो जाती है। तो बस इस मिट्टी को जो है ना बहुत कीमती है ये मिट्टी, पंडित जी पता है बहुत मुश्किल से ले लेकर आते हैं, तो ये मिट्टी बहुत ज़्यादा कीमती रहती है। तो बस इसको अच्छे से मैंने पन्नी में समेट के रख दिया है, तो जब भी मुझे ज़रूरत, और सावन के महीने में तो मतलब मुझे डेली ही ज़रूरत होगी इसकी, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि सावन के महीने में जो है ना बरसात होती है और मिट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि हर जगह गीला गीला होता है ना, तो लाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो इस मिट्टी को संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आप भी भगवान शिव बनाना चाहते हैं सावन के महीने में, तो अभी से जो है ना मिट्टी की व्यवस्था ज़रूर कर लें। वीडियो दिखाने का मकसद यही था ताकि आप ना व्यवस्था कर लेंगे तो आपका सावन के महीने में जो है ना आप डेली भगवान शिव बना सकते हैं। बस उसके बाद थोड़ी देर जो है ना मैंने मौसम का आनंद लिया, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ठंडी ठंडी हवा, और ये मौसम का जो है ना मैं बड़ा इंतज़ार करती हूँ। अगर शाम के समय अगर इस तरह का मौसम हो जाए ना तो आपकी शाम बन जाती। तो बस इस समय जो है ना चाय पीने का मेरा थोड़ा सा मन करने लगा, लेकिन थोड़ा अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं अब और ज़्यादा चाय नहीं पीनी है। तो बस अब चलिए मौसम का मज़ा तो ले लिया है, अब मैं नीचे जाऊंगी क्योंकि हल्की हल्की बारिश होने लगी है और मुझे जाकर थोड़ा सा काम भी करना था नीचे। शाम के समय जो है ना एक बात का और विशेष ध्यान रखना है आपको कि आपके घर में जो मटके वगैरह होते हैं ना, मिट्टी के मटके जो आप गर्मियों में भरकर रखते हैं, वो कभी भी खाली नहीं होने चाहिए, हमेशा शाम के समय उनको हमेशा भरकर रखें आप, क्योंकि दिन भर में हम पानी पीते हैं ना तो शाम के समय खाली हो ही जाते हैं, तो उनको हमेशा भरकर रखें आप दोनों समय के समय मिलते समय। और देखिए बारिश का यहाँ ये इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जिस चीज़ का हम इंतज़ार करते हैं ना वो कभी नहीं होता है। तो बस यहाँ लास्ट में जो है ना पेड़ों में पानी जरूर डालना था मुझे, क्योंकि दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बस सारे पेड़ों में यहाँ पर पानी डाला है और उसके बाद जो है ना तुलसी में पानी डालूंगी। तो इसी तरह की जो है ना मेरी शाम की दिनचर्या रहती है, और शाम कब बीत जाती है ना अपने अपने घरों के कामों में कि पता ही नहीं चलता। तो मेरा जो रूटीन है ना वो 3:30 या 4 बजे से स्टार्ट हो गया था और अभी जो है ना 5 बजने वाले हैं, और देखिए ये हो गया मेरा लास्ट काम है। इसके बाद जो है ना मैं अपने लिए वक्त निकालती हूँ। शाम के समय जो है ना घर की औरतों को हमेशा सज धज के रहना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी होता है ये, पता है एक बहुत परंपरा रही है। शाम के समय जो है ना घर की जो महिलाएं होती है ना उनको, मैं ये नहीं कह रही कि बढ़िया सा मतलब बहुत ज़्यादा तैयार होना चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसा तो रहना चाहिए आपके बाल वगैरह बने हों और अच्छे से रहे, क्योंकि घर की लक्ष्मी अगर अच्छे से रहती है ना तो लक्ष्मी जी जो है ना उस पर अपनी कृपा ज़रूर करती हैं, और औरत जो है ना घर की लक्ष्मी होती है तो उसको अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होती, आप सबको पता है, एकदम सिंपल सादा हूँ, जैसे रहती हूँ ना उसी तरह से आप लोगों को दिखाती हूँ अपने रियल लाइफ का जो जीवन जो मेरा रहा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कोई दिखावा नहीं है मेरे वीडियोस में। जैसी सिंपल सादा लाइफ मैं जो जीती हूँ ना वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहती हूँ सच बताऊँ तो। मैं कभी वो बनना नहीं चाहूँगी जो मैं कभी हूँ ही नहीं, तो मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। और कभी छोटी छोटी गलतियाँ जो है ना मैं कर जाती हूँ तो आप उन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर ज़रूर करें, क्योंकि अपनी रियल लाइफ को दिखाना ना बहुत मुश्किल होता है, आप इस चीज़ को समझने की थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करें। तो बस यहाँ पर अपनी वही जूड़ा वाला स्टाइल रहता है तो बस उसी को मैंने बांध लिया है। गर्मियों में वैसे भी खुले हुए बाल जो है ना बड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं, तो बस
पूरे बालों को गो कर जो है ना इस तरह बांध लेती हूँ। और ये देखिए मेरे टूटे हुए बाल थोड़े से टूटते हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है मुझे कि मेरे बाल क्यों टूट रहे हैं। बस उसके बाद अभी जो है ना 5:30 बजे का टाइम है, और इस समय जो है ना मैं रामायण पढ़ती हूँ। कभी 5:30 बजे पढ़ लेती हूँ, कभी 6 भी बज जाते हैं, तो ऊपर नीचे देखिए थोड़ा बहुत तो होता रहता है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा काम हो जाते हैं, कभी कम काम रहते हैं। उसके बाद जो है ना मेरे जब दोनों समय मिलते हैं ना, उस समय जो है ना आपको पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। आप कोई भी अच्छा सा ग्रंथ पढ़ सकते हैं, समय अगर आप कोई जप कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। आपने मेरे घर में देखा होगा पंडित जी जो है ना इस समय अपना संध्या वंदन करते हैं। तो पूजा पाठ जो है ना दोनों वक्त मिलते समय जो है ना हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हम करते हैं ना तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लगेगा। सबसे पहला फर्क यही होगा कि आपके घर में जो है ना लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा धन देखिए नहीं बरसता, लेकिन जितना आपके नसीब में है और आपके जो भी काम है ना वो बनने लगते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और छोटे मोटे काम मैंने आपको बता ही दिए हैं, घर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो समय होता है वो होता है भगवान के आने का समय होता है। लक्ष्मी जी इस समय जो है ना आपके घर में विराजमान होती हैं, आपके घर में जो है ना निवास करती हैं। तो कई लोग जो है ना इस समय घर घर की दहलीज पर जो है ना दीपक भी जलाते हैं। तो ये छोटे छोटे से नियम अगर आप अपनाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना इनसे आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। और हम यही तो चाहते हैं, घर की लक्ष्मी यही तो चाहती है कि उनके घर में जो है ना हमेशा सुख और समृद्धि बरसती रहे। तो बस अगर घर की लक्ष्मी की अगर ऐसी दिनचर्या होती है ना तो वो घर नहीं रहता, वो घर जो है ना स्वर्ग बन जाता है। उस घर में जो है ना लक्ष्मी बरसने लगती है, हर काम जो है ना होने लगते हैं। तो हर घर की लक्ष्मी को जो है ना अपने घर को इसी तरह से रखना चाहिए। बस मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।